ओम शांति। आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 13 अक्टूबर के गॉडली ब्लेसिंग या ईश्वरीय वरदान की, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम पांच तत्वों के भी मालिक बन जाएं। पांच तत्वों में आपका शरीर भी आता है और हम माया के भी मालिक बन जाएं। माया मतलब कि माया को अपने कंट्रोल में कर ले। माया है क्या? माया को देखा जाए तो लोग ज्यादातर धन के साथ में या संपत्ति के साथ में जोड़ते हैं कि जिसका जिसके पास धन ज्यादा है वो मायावी इंसान है। माया परमात्मा कहते हैं जिसके पास में धन का लोभ हो, कपड़ों का, खान पान का हो, लोभ हो, उसको हम कहते हैं कामी। कामी मतलब उसके अंदर कामनाएं बहुत हैं और काम विकार, लस्ट जिसको कहते हैं, ज्यादा काम उत्तेजना के संकल्प आने, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये पांचों चीजों को अगर आप मिला दें तो उसको कहते हैं माया। तो परमात्मा आज के वरदान में कहते हैं कि कल्याणकारी युग में स्वयं का, खुद का भी और सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। प्रकृति जीत मतलब प्रकृति जीत और फाइव एलिमेंट्स जीत मतलब कोई भी चीज, आजू बाजू की चीज आपके दिल को दुखा नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स की फोटो रखी हुई है और गिर जाए एक दिन साफ करते हुए, किसी ने गिरा दी उसको, साफ उसका चकनाचूर हो गया उसका, आप रो रहे हैं उस दिन बैठ करके, आप हाय कर रहे हैं, आप डांट रहे हैं, पीट रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, दैट मीन्स आप मैटर मतलब कि प्रकृति जीत नहीं है। आप ग्लास खरीदा आपने, कटलरी खरीदी और वो टूट गई और आपने हंगामा कर दिया घर में, आप प्रकृति जीत नहीं है। आप इसका मतलब उन चीजों का आपके ऊपर, आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर हार्डवेयर का कंट्रोल है। आप इमेजिन करिए कि अगर आपका लैपटॉप आपके विंडोज को कंट्रोल करना शुरू कर दे, कैसा रहेगा? आप चला पाएंगे उस विंडोज को? नहीं चला पाएंगे। उसी तरीके से अगर आपका हार्डवेयर या हार्डवेयर की चीजें आपके मन को कंट्रोल कर लें तो आपका मन कैसे चलेगा? हैंग होता रहेगा, थोड़ा बढ़ेगा आगे फिर नीचे गिर जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा नीचे, मतलब कि ऊपर मूड कम नीचे मूड, ऊपर मूड नीचे मूड, तो वो हैंग होता रहेगा। इसी तरीके से परमात्मा कहते हैं प्रकृति जीत भी बनना बहुत जरूरी है। तो परमात्मा कहते हैं इस कल्याणकारी युग में, ये युग है कलयुग नहीं, ये है संगम युग जो कि ट्रांजिशन का युग है। आप देख भी रहे हैं, न्यूज खोलें जहां भी आपको पॉलिटिकल टर्मोइल, मतलब कि वहां पर पॉलिटिकल अपहीवल दिखाई देगा, आपको ऊंच नीच हो रही है, धन के मामले में इकोनॉमिक अपहीवल हो रही है, धर्मों में आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, धमकियां आ रही हैं। अगर आप देखें इकोनॉमी भी होगी, पॉलिटिक्स भी हो गया, धर्म भी हो गया, और क्या रह जाता है आपका? प्रकृति, पांच तत्व भी स्टेबल नहीं है आपके, तो आपकी कंट्रीज भी स्टेबल नहीं है, आपस में झगड़े हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या चीज का आपको प्रतीक दिखाते हैं कि हाँ, अब ये कलयुग खत्म होने वाला है और सत्ययुग बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, महा परिवर्तन, इसको लोग कहते हैं महाविनाश। तो परमात्मा कहते हैं कल्याणकारी बाप के साथ साथ आप बच्चे भी कल्याणकारी हो, जिनको ये ज्ञान है, सेम डे सपोज करिए आपको भी पता चल जाएगा क्यों कल्याणकारी। आपकी चैलेंज है कि हम विश्व परिवर्तक हैं, कि हम क्या करना है, विश्व को परिवर्तन करना है। दुनिया वालों को सिर्फ विनाश दिखाई देता, दुनिया वाले आज चारों तरफ क्या कर रहे हैं, तीसरा महाविश्व ना हो जाए, कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, अरे थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी तो क्या होगा, उनको सिर्फ विनाश दिखाई दे रहा है देता। इसलिए समझते हैं यह अकल्याण का समय है, चारों तरफ ही क्या है, अकल्याण ही अकल्याण दिखा रहे हैं, लेकिन आपके सामने विनाश के साथ स्थापना भी स्पष्ट है। स्थापना क्या हो रही है? देखिए, सॉफ्टवेयर चेंज होगा तो हार्डवेयर भी चेंज होगा। चारों तरफ आपको इन आंखों से ये फाइव सेंसेस जो दिखते हैं, आपको हार्डवेयर फील होता है, हार्डवेयर है ना। इसको मैं अगर फोन को टच करूं यहाँ से, ये भी हार्डवेयर हो गया आपका, ये स्टैंड जो है ये भी हार्डवेयर हो गया, ये जो लैपटॉप मेरे सामने पड़ा है ये भी हार्डवेयर हो गया, पीछे जो चीजें आपको दिख रही है हार्डवेयर हो गया। परमात्मा कहते हैं कि पहले सॉफ्टवेयर को चेंज करो तो हार्डवेयर भी चेंज हो जाएगा। तो परमात्मा कहते हैं ये अकल्याण का समय है, लेकिन वो क्या सोचते हैं, ये अकल्याण का समय है लेकिन आपके सामने विनाश के साथ स्थापना भी स्पष्ट है। तो यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर को जब अपग्रेड करते हैं तो हार्डवेयर भी चेंज होना शुरू होता है, और मन में यही शुभ भावना है कि अब सर्व का कल्याण हो। मनुष्य आत्माएं तो क्या प्रकृति का भी कल्याण करने वाले ही प्रकृति जीत। अगर आपकी भावनाएं जल तत्व के प्रति, वायु तत्व के प्रति, अग्नि तत्व के प्रति, आपकी भावनाएं अगर पवित्र हैं, अगर आप इनको मिसयूज नहीं कर रहे हैं, देखिए आपने थैंक यू तो बोल दिया जल तत्व को, लेकिन आपने पानी खुला छोड़ दिया और पानी बह रहा है, ये थैंक यू नहीं हुआ। आपने अग्नि तत्व को
या और बाकी तत्वों को आप धन्यवाद कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, गीजर ऑन छोड़ दिया पूरे दिन भर। ये थैंक यू नहीं हुआ, ये ग्रेटिट्यूड नहीं हुआ, ये आपका या आपका उन पांच तत्वों के प्रति धन्यवाद नहीं हुआ। इसलिए सोचना धन्यवाद, बोलना धन्यवाद और करना धन्यवाद बराबर होना चाहिए, कर्मों में दिखाई देना चाहिए, तब जाकर के पांच तत्व आपके साथ में सिंक में आएंगे कि हाँ वो आपकी सेवा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। परमात्मा कहते हैं फिर आगे, मनुष्य आत्मा का तो क्या, प्रकृति का भी कल्याण करने वाले ही प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हैं। लेकिन अगर आपके पास में माया जीत, माया मतलब लो, आपके अंदर लोभ नहीं है, आपके अंदर अहंकार नहीं है, आपके अंदर मोह नहीं है, मेरापन मेरापन नहीं है, तो जाके आप माया जीत बन गए। अगर आप माया जीत बन गए, और चीजों का लोभ, चीजों का तो होता है ना, धन संपत्ति का भी लोभ होता है, नाम मान शान का भी लोभ होता है, तो इनका अगर आपको लोभ नहीं है तो आप इनको ठीक ठाक इस्तेमाल करेंगे, आप लोभ के वश में आगे इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर अगर आप करते हैं कोई चीज उसमें सेवा के अर्थ करते हैं, अलग बात है। माया जीत कहलाते हैं, उनके लिए प्रकृति दुखदाई सुखदाई बन जाती है। दुखदाई से क्या बनती है, सुखदाई बन जाती है। ये शरीर भी सुखदाई बन जाता है और पांच तत्व भी आजू बाजू आपके सुखदाई बन जाते हैं। आपके पास इतनी शक्ति आ जाती है कि आप संकल्पों से ही पांच तत्वों को दिल से, संकल्प में आपकी फीलिंग्स आती है, बाय द वे आप प्रेम के संकल्पों से, प्रेम की भावनाओं से आप पांच तत्वों को आप सेवा के लिए पुकार सकते हैं या बुला सकते हैं। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं ब्रह्म कुमारी इसमें। इसके साथ ओम शांति।